जाएगा तो सब घबरा जाएगा ना। अब आपको तो सबको दिलासा दिलाना है, आप नहीं घबराइए ऐसे। तरह की ये घटना है, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार पर है, कटिहार जिला के प्रशासन पर है। जब लालू जी की सरकार थी तो बराबर मैंने देखा कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल थे, उन क्रिमिनलों का हमने देखा है कि किसी न किसी तरह वो लोग सरकार के जरिए हो, प्रशासन के जरिए हो, जो क्रिमिनल थे उनका इलाज हो गया। लेकिन आज वो इलाज नहीं हो रहा है जो इलाज उस जमाने में होता था। सरकार हो या प्रशासन हो, ये जानती है कि कौन इंसान कैसा है, कौन व्यक्ति शरीफ है, कौन गंदा है, कौन क्रिमिनल है, कौन किस आचरण का है। ये सरकार को पता रहती है, प्रशासन को पता रहती है, खासतौर पर जिला की पुलिस को सब बात मालूम होती है। तो इसको आज तक प्रिकॉशन लें, क्या करें उनके साथ, उनको पकड़ के अंदर करें, उनके साथ जो करना चाहिए वो नहीं हुई, ये छूट है क्रिमिनलों को, जिसकी वजह से हत्या हो रही है। और एक अच्छे इंसान जो इंसाफ पसंद इंसान था शिवराज जी, उसकी हत्या से ये घर नहीं, कटिहार नहीं, बल्कि पूरा सीमांचल, पूरा कोसी, और हम कहें कि पूरा बिहार इससे दुखी है, इतना दुखी है जिसका शब्द नहीं है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और अब भी सिर्फ पकड़ लेने से नहीं काम चलता है, पकड़ कर को उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए सरकार को और जुडिशरी को और पुलिस को, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरे को सबक मिले, ताकि ऐसी घटना नहीं हो जिस तरह की घटना की गई है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, सरकार को और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह लेनी चाहिए, और ईमानदारी से उसको पकड़ कर जितनी सख्त सज़ा हो देनी चाहिए। और हम इस घर के शिवराज जी के घर में आए, बहुत गम का माहौल है, उनकी जो धर्मपत्नी, उनकी जो विधवा हो गई, कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, जिस तरह से बेहाल है, परेशान है, ये माहौल बड़ा ख़राब है, बहुत दुखी माहौल है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र दे और क्रिमिनल को सज़ा मिले सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विपक्ष विधानसभा में डिप्टी सीएम इस्तीफे की मांग, तो आपको मालूम ही हो रहा है कि विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है, यही तो कह रहा है कि ये सरकार, बिहार सरकार बिल्कुल फेल है, इसको रहने का कोई अस्तित्व नहीं।